हेलो और वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज़ शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़ एंड हॉट गॉसिप्स लेकर, बट लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस फर्स्ट। इमरान को डायन के चक्कर में फंसा देखकर किस बड़े फिल्ममेकर को हुई फिक्र? फुकरे के फर्स्ट लुक लॉन्च पर फरहान ने खुद को क्यों बताया अव्वल दर्जे का फुकरा? और दिखाएंगे एक बार फिर कहां नजर आई शाहरुख खान की यश राज फैमिली के साथ बॉन्डिंग। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में सबसे पहले बात डायन के चक्कर में फंसे इमरान की, क्योंकि एक थी डायन का पार्ट बने इमरान को लेकर उनके वेल विशर्स और एक बड़े फिल्ममेकर को सताने लगी है इमरान हाशमी के करियर की फिक्र। कौन है वो फिल्ममेकर और इमरान को लेकर क्यों दिखा रहे हैं वो कंसर्न, बताएगी हमारी ये स्टोरी। इमरान हाशमी के विचक्राफ्ट के सब्जेक्ट से जुड़ने पर एक बड़े फिल्ममेकर को हो रही है बड़ी फिक्र। फिक्र इमरान के करियर की, फिक्र इमरान की अपकमिंग फिल्म्स की, और ये फिक्र भी कि क्या एक थी डायन इमरान के लिए साबित हो पाएगी फायदे का सौदा। रिपोर्टेडली इमरान के वेलविशर एक बड़े फिल्ममेकर को इमरान की इतनी फिक्र इसलिए हो रही है कि फिल्म के प्रमोशंस में इमरान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिल्म के मेकर्स टेलीविजन पर एक थी डायन को प्रमोट करने के लिए भी स्पेशल एपिसोड्स की सीरीज चला रहे हैं। हुमा कुरैशी से लेकर कोंकणा सेन तक सभी को फिल्म के प्रमोशंस में काफी जगह भी मिली है, पर इमरान हाशमी को करीब करीब फिल्म के हर नए प्रमोशनल कैंपेन से दूर ही रखा जा रहा है। इसलिए उनके एक वेल विशर फिल्म मेकर को हो रही है इमरान हाशमी की इतनी ज्यादा फिक्र। लेकिन इस खबर का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही है कि वो फिल्म मेकर कोई और नहीं बल्कि महेश भट्ट है। कबीरी चीज जो है जिंदगी के दौर में आगे निकल गए हैं। जो महेश भट्ट कल तक इमरान हाशमी को कोस रहे थे, उन्हीं महेश भट्ट का अब पिघल गया है दिल। अपने जिगर के टुकड़े को मुसीबत में देखकर महेश भट्ट को इमरान पर आने लगा है रहम। जी हाँ, यही है बॉलीवुड के बदलते रिश्तों का एक बड़ा अपडेट। अब इसकी वजह भले ये हो कि इमरान हाशमी महेश भट्ट के रिलेटिव है और महेश भट्ट उन्हें अपने बच्चे की तरह मानते हैं, पर लगता है भट्ट कैंप के बाहर ज्यादा फिल्म्स करने पर इमरान को लेकर दिखाई हुई महेश भट्ट की नाराजगी सिर्फ और सिर्फ दिखावा थी। कुत्ती कमीनी चीज जो है जिंदगी के दौर में आगे निकल गए हैं। Well, अब आपको ये भी बता दिया जाए कि आखिर महेश भट्ट की इमरान हाशमी को लेकर ये फिक्र कब और कहां नजर आई है, तो बता दें कि रिसेंटली महेश भट्ट को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना गया है। रिपोर्टेडली बात हो रही थी इमरान हाशमी की और इमरान के लिए कंसर्न दिखाते हुए महेश भट्ट के मुंह से निकले कुछ ऐसे बोल, उसे प्रमोट नहीं कर रहे, आई एम वरिड अबाउट माई बॉय। अब कौन किसे प्रमोट नहीं कर रहा है ये तो आप खुद ही समझ गए होंगे, क्योंकि एकता कपूर विशाल भरद्वाज दोनों मिलकर आजकल एक थी डायन के जोरदार प्रमोशंस में जुटे हुए हैं। फिल्म की बाकी स्टार कास्ट को भी मिल रही है खूब लाइमलाइट, बस एक इमरान ही है जिन पर जरा भी फोकस नहीं है। ऐसे में डायन के चक्कर में फंसे इमरान के वेल विशेस को फिक्र तो होगी ही। फॉर रोशनी दुबे, जूम मुंबई। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की अपकमिंग फिल्म फुकरे का फर्स्ट लुक बाहर आ गया है। इस फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च पर फरहान और उनकी फिल्म की स्टार कास्ट ने कैसे बनाया इस इवेंट को मजेदार, टेक अ लुक। फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की हिट जोड़ी फिर एक बार लौटी है फुकरे के साथ। जी हाँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी हिट फिल्में देने के बाद फरहान और रितेश लेकर आए हैं फुकरे, और वो भी नए टैलेंट के साथ। और इसी फिल्म का फर्स्ट लुक लॉन्च कल किया गया मुंबई में, और इस फिल्म पर की फरहान अख्तर ने मीडिया से बात और बता दिया खुद को एक फुकरा भी। आपको शायद पता होगा, मैंने काफी बार कहा भी है अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में, जब लोगों ने मुझे अपनी जिंदगी के बारे में पूछा है, तो दो साल ऐसे थे मेरी जिंदगी में जब मैंने कुछ नहीं किए थे, और माई मॉम ऑलमोस्ट थ्रू मी आउट ऑफ द हाउस। तो जहाँ तक फुकरेपन का सवाल है, आई थिंक दैट डेफिनेटली क्वालिफाइज एज माई इयर्स ऑफ बीइंग अ फुकरा। वहीं जब फरहान से पूछा गया कि उन्होंने खुद इस फिल्म में क्यों नहीं किया काम, तो उस पर फरहान सेड, सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कास्ट पीपल हु आर राइट फॉर द रोल्स, दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल, एंड वी फेल्ट गिवन द एज दैट दीज कैरेक्टर्स नीड टू बी गिवन द पर्सनैलिटी दैट द कैरेक्टर्स हैव,
they work really, really well with all the actors that have been cast in the film, and it's very important. Chaliye, that's good to hear ki aap is film mein naye talent ko encourage kar rahe hain. Is film ke alawa, Farhan also gave a response on Pran winning a Dada Saheb Phalke Award and appreciated Pran and his work he has done all these years. He deserves it. Congratulations to him, to his family. He's someone who's worked for, I think, probably over 7 or 8 decades in the film industry, and has worked with almost every single person that we know of as a great. He's been part of them, he's been influential on them, inspirational for them. So I think it was about time to honor him with the highest possible award that could be given. So we're all very, very happy that he's received it. Well, is event par Farhan ki puri cast bhi maujood thi. Aur first look ko to bade grand tarike se promote kiya gaya hai. We just hope ki Farhan ki ye new talent group hame box office par bhi impress kar jaye. For Elika Shivastava, Zoom, Mumbai. मुंबई में हुए एक इवेंट में एक बार फिर यश राज फैमिली से शाहरुख खान की बॉन्डिंग नजर आई है. वहीं राज कुंद्रा की एक पार्टी भी हुई और एक अवार्ड फंक्शन में पहुंचे धर्मेंद्र ने भी लाइमलाइट बटोरी है. आपको दिखाते हैं इन तीनों इवेंट्स की हाइलाइट्स. सितारों से भरी कल रात एक शाम और इसी शाम की कुछ हाइलाइट्स हम आपको दिखाएंगे हमारे विजुअल्स में. वैसे अलग अलग जगह पर सजी सितारों से भरी शाम, जहां एक तरफ चल रही थी पार्टी तो एक तरफ हो रहे थे अवार्ड्स और वही एक जगह हुआ खास इवेंट. तो चलिए करते हैं शुरुआत आपको बताने इन सब इवेंट्स के बारे में. कल रात शाहरुख खान दिखे एक इवेंट में एंड हियर वी स्पॉटेड हिम विद यश चोपड़ास वाइफ पैमेला. ड्रेस्ड इन अ ब्लैक सूट, शाहरुख वाज लुकिंग क्वाइट हैंडसम. वैसे इस इवेंट पर वी आल्सो स्पॉटेड पूनम ढिल्लो. मूविंग ऑन टू अ पार्टी हेल्ड बाय राज कुंद्रा और इस पार्टी में वी स्पॉटेड शमिता शेट्टी हु वाज अकंपनीड विद रोहित रॉय. एंड आल्सो वी स्पॉटेड मलाइका अरोरा खान ओवर हियर एज आल्सो वाज सीन सलमान सिस्टर अर्पिता खान. और इस पार्टी के बारे में राज कुंद्रा ने हमसे की as it was a success bash. Yeah, very much. We had an SFL event going on, so we just got together, all the friends, and just celebrating the success on the Super Fight League. बढ़ते हैं एक अवार्ड सेरेमनी की ओर जो मुंबई में रखी गई थी. और इस अवार्ड सेरेमनी में हमने यहाँ कैप्चर किया नेहा धूपिया को. धर्मेंद्र वॉज ऑल्सो सीन हियर. इनके अलावा यहाँ राज बब्बर भी नजर आए थे. वहीं स्टेज पर फरहान अख्तर दिखे विद मिल्खा सिंह. तो ये थी हाइलाइट्स ऑफ ऑल द ग्रैंड इवेंट्स दैट हैपेंड लास्ट नाइट. और भी बॉलीवुड गॉसिप एंड अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज एट 7 PM ओनली ऑन जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. Finally, सलमान गोविंदा को एक साथ एक ही फिल्म में देखने की फैंस की विश जल्द ही पूरी होने वाली है. तो आखिर किस फिल्म मेकर ने पार्टनर की इस जोड़ी को ऑन स्क्रीन साथ लाने का बनाया है प्लान? लेट्स फाइंड आउट. फिर से बनेंगे सलमान और गोविंदा एक दूसरे के पार्टनर. फिर मचेगी बड़े पर्दे पर धूम विद सलमान गोविंदा एज पार्टनर्स. पर हम पार्टनर 2 की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ बात हो रही है महेश मांजरेकर की फिल्म की. और इस फिल्म में सलमान खान शेयर करेंगे स्क्रीन स्पेस विद गोविंदा. जी हाँ, सोर्सेस की माने तो महेश मांजरेकर अपनी नेक्स्ट मूवी में इन दो स्टार्स को साथ में कास्ट करना चाहते हैं. दरअसल कुछ दिनों पहले महेश मांजरेकर ने अपनी फिल्म चश्मे बद्दूर की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी, जहां गोविंदा और सलमान भी मौजूद थे. और स्क्रीनिंग के बाद से खबर आई है कि महेश वांट्स टू कास्ट द पार्टनर्स इन हिज नेक्स्ट. वैसे पार्टनर फिल्म में तो इन दोनों स्टार्स की जोड़ी ने बड़ा कमाल किया है. नाउ वी जस्ट होप कि इस नेक्स्ट अनटाइटल्ड फिल्म में भी हमें वही सेम केमिस्ट्री देखने मिले. फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई. काय पूछे कि सक्सेस ने फिल्म के लीड एक्टर सुशांत सिंह को एक बड़ी ब्रांड एंडोर्समेंट डील दिलवा दी है. और अब वो नजर आएंगे रणबीर कपूर के साथ एक सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड को प्रमोट करते हुए. कंप्लीट अपडेट देगी हमारी नेक्स्ट स्टोरी. The newbie in Bollywood, Sushant Singh Rajput, is all set to compete with Bollywood's most talented actor, Ranbir Kapoor. जी हाँ, सुशांत की अब डायरेक्ट टक्कर होगी रणबीर कपूर से. पर हाल फिलहाल ये कोई फिल्म के लिए नहीं बल्कि एक ब्रांड एंडोर्समेंट को लेकर है. दरअसल सूत्रों के अनुसार सुशांत सिंह भी उसी कोला ब्रांड को एंडोर्स करते दिखाई देंगे, जिसे इन दिनों रणबीर कपूर बड़े जोरों शोरों से प्रमोट कर रहे हैं. और इसी कमर्शियल के लिए रणबीर ने तो अपना अवतार भी चेंज कर लिया है. जहां रणबीर ने इस एड में शाहरुख खान का लुक कॉपी किया है, वहीं इसी एड के दूसरे सेगमेंट में सुशांत सिंह भी नजर आएंगे. और देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रणबीर को बराबर की टक्कर दे पाएंगे सुशांत. वैसे भी सुशांत सिंह को बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग के चलते काफी प्रेजेस मिले हैं. और अपनी फर्स्ट फिल्म के साथ ही सुशांत ने
एक अहम जगह बना ली है इन बी टाउन और आते ही साथ ही इज सेट टू कम्पीट विद रणबीर. नाउ वी जस्ट होप दैट सुशांत लिव्स अप टू आवर एक्सपेक्टेशंस एंड डज इंप्रेस अस इन दिस न्यू कमर्शियल. फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई. दबंग 2 एक बार फिर रिलीज होगी, लेकिन इस ऑनलाइन रिलीज का एडवांटेज इंडियन फैंस को नहीं मिलेगा. इसका रीजन आपको हमारी ये अगली स्टोरी देखने पर पता चल जाएगा. जिस फिल्म से सलमान ने जीता इंडियन ऑडियंस का दिल, जिस फिल्म से पांडे जी ने लगाई थाने में ड्यूटी, जिस फिल्म में हमने देखा चुलबुल पांडे का रोमांटिक अंदाज, जिस फिल्म में करीना ने अपने फेविकॉल से चिपकाया अपना फोटो, अब उसी फिल्म की झलक इंडियन ऑडियंस नहीं देख पाएगी, बल्कि अब इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए ही अवेलेबल है सलमान की फिल्म दबंग 2. जी हाँ, सलमान की फिल्म दबंग 2 अब ऑनलाइन अवेलेबल है उन इंटरनेशनल फैंस के लिए हु मिस्ड आउट टू वॉच चुलबुल पांडे सीक्वल. पर अब यही फिल्म इंडियन ऑडियंस को ऑनलाइन नहीं देखने मिल सकती है. वैसे ये बात तो निराशा की है कि जिस फिल्म की वजह से सलमान खान को अपनी इंडियन ऑडियंस से मिला ढेर सारा प्यार, वही फिल्म अब उनकी ही जनता के लिए अनअवेलेबल हो गई है. अब इस न्यूज से सलमान कितना अवेयर है ये तो हम जानते नहीं, बट वी जस्ट होप कि जैसे ही ये न्यूज उन तक पहुंचे, वो अपने इंडियन फैंस के लिए भी ये फिल्म ऑनलाइन अवेलेबल कर दें. फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपका ही मजा आएगा क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला चलता रहेगा. क्रिश 3 इस साल की दिवाली रिलीज है, ये अपडेट तो आपको पता ही है. लेकिन फ्राइडे के दिन फिल्म की रिलीज ना रखकर फिल्म मेकर्स ने कुछ बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या है वो सवाल और उनका जवाब देखिए हमारी इस स्टोरी में. इंडियन सिनेमा में पहली बार होगी एक फिल्म रिलीज ऑन संडे. वेल, दिस न्यूज माइट कम एज अ सरप्राइज टू यू, बट यस, यू हैव हर्ड इट राइट कि संडे पर होगी ऋतिक रोशन स्टारर क्रिश 3 रिलीज. नवंबर 3 जिस दिन है दिवाली, उस दिन होगी ऋतिक की ये मच अवेटेड फिल्म रिलीज. और इस न्यूज पर एस्ट्रोलॉजर भाविक संघवी ने भी जूम के साथ की एक्सक्लूसिवली बात और कंफर्म भी किया कि नवंबर 3 को ऋतिक की फिल्म आएगी बड़े पर्दे पर. दिवाली की सबसे बड़ी रिलीज इस साल की क्रिश 3 मुझे लगता है कि राकेश रोशन जी की सबसे एम्बिशियस फिल्म और इवन ऋतिक रोशन के लिए ये जो कोई मिल गया और क्रिश के बाद ये क्रिश 3 उनके करियर के लिए एक सुपर हीरो फ्लिक होगी इस साल की. ये फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड हम लोग संडे को रिलीज़ कर रहे हैं. ऑलमोस्ट सारी ही फिल्में फ्राइडे को रिलीज़ होती है, बट लुकिंग एट द कॉम्बिनेशन ऑफ डेट्स विद राकेश रोशन एंड ऋतिक रोशन, वी हैव अराइव्ड एट द कंक्लूजन कि ये फिल्म हम दिवाली के दिन संडे को 3 नवंबर को रिलीज़ करेंगे. और इसी न्यूज़ पर एस्ट्रोलॉजर भाविक ने किया खुलासा कि आखिर संडे ही क्यों चूज़ किया गया फॉर दिस फिल्म रिलीज. वो लोग इतना बिलीव करते हैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में कि जब कंसल्ट किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि अगर वो फिल्म वैसे भी अगर 100 करोड़ का धंधा करने वाली है तो शायद 150 करोड़ का कर ले. तो वो जो एक पॉजिटिविटी और वो जो एक कहीं ना कहीं हम गारंटी उनको देते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा, फिल्म को ज़्यादा बूस्ट ही मिलेगा, तो वो हो सकता है. लगता है राकेश रोशन भी काफी सुपरस्टिशियस है और इसी के चलते वो अपनी फिल्म को संडे पर रिलीज करने का रिस्क ले रहे हैं. और हो भी सकता है कि इससे उनकी फिल्म को बहुत ज्यादा फायदा भी हो. वेल, अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राकेश रोशन की ये सुपरस्टिशियस बिलीफ उनकी फिल्म को कितना प्रॉफिट देती है. फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई. रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर के फाइट की खबरें पुरानी बात हो गई है. जूम आपके लिए लेकर आए हैं रणवीर और अर्जुन की दोस्ती का अपडेट. चलिए आपको दिखाते हैं आखिर कैसे हुआ दोनों का पैचअप. कुछ महीने पहले अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह ने शटरबग्स व्यू के लिए बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी दुश्मनी को दोस्ती में प्रेजेंट किया था. लेकिन अब वाकई ही इन दोनों स्टार्स के बीच हो गई है अच्छी खासी दोस्ती. इतने तगड़े दोस्त कि रणवीर सिंह ने अर्जुन कपूर के घर भेजा एक स्पेशल बुके. वैसे इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलने में रणवीर सिंह वाज द वन हु एक्सटेंडेड एन ऑलिव ब्रांच टू अर्जुन कपूर. और सुनने में यही आया है कि जब रणवीर ने अर्जुन की फिल्म औरंगजेब का फर्स्ट ट्रेलर देखा तो उन्होंने अर्जुन की एक्टिंग को अप्रिशिएट करते हुए एक बुके उनके घर भेज दिया और अर्जुन ने भी रणवीर के इस स्वीट जेस्चर को एक्सेप्ट कर लिया है. दरअसल इन दोनों स्टार्स के बीच झगड़े की वजह बनी थी अनुष्का शर्मा. व्हेन अर्जुन कपूर वाज लिंक्ड विद अनुष्का शर्मा और अर्जुन से बढ़ती नजदीकियां रणवीर को खटकने लगी और इसी वजह से इन दोनों के बीच छिड़ गई कोल्ड वाइब्स.
But ab wo sab purani baatein bhulkar, Ranveer Singh is rather choosing to be a good friend with Arjun Kapoor. Aur ho bhi kyun na? After all, he is no more dating Anushka Sharma. In fact, these days Ranveer is linked with Deepika Padukone. अब जब अनुष्का शर्मा से रणबीर का कोई नाता ही नहीं है तो उनके लिए वो अर्जुन से पंगे भी क्यों ले? यही सोचकर शायद रणबीर चोज टू बी फ्रेंड्स विद अर्जुन रादर देन बीइंग अ फो। और यही दोस्ती आफ्टर ऑल गुंडे के सेट्स पर भी तो काम आएगी फॉर अ स्मूथ फ्लो ऑन द सेट्स। चलिए अब जब इन दोनों के बीच दोस्ती हो ही गई है तो इससे भला अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन एक लड़का दूसरे लड़के को फ्लावर्स भेज रहा है, ये बात तो दोस्ताना से कम नहीं लगती। For Elika Srivastava, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर Bollywood की और भी latest news and gossip. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.